फिल्म स्टार और गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की। रवि किशन की पत्नी ने पुलिस से ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्रीति शुक्ला ने अपनी शिकायत में कहा कि एक साल पहले भी इस महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत मुंबई पुलिस से की थी। साजिश में एक सपा नेता के हाथ होने का आरोप है। सपा पदाधिकारी विवेक और एक यूट्यूबर खुर्शीद खान भी साजिश के मुख्य कर्ता धर्ता बताए जा रहे हैं। महिला अर्पना सोनी के पति, बेटा और बेटी भी इस मामले में आरोपी बनाए गए। जानकारी के मुताबिक अर्पना सोनी 35 साल से शादीशुदा है। चुनाव के समय आरोप लगाकर चुनाव लड़ रहे रवि किशन की छवि खराब करने की साजिश थी। प्रीति शुक्ला ने अपनी शिकायत में कहा कि मुंबई की एक महिला जो अपना नाम अर्पना सोनी उर्फ अर्पना ठाकुर बता रही है, उसने धमकाते हुए कहा कि उसके अंडरवर्ल्ड से संबंध है। धमकाते हुए ये भी कहा कि अगर बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पति को बलात्कार के झूठे केस में फंसा दूंगी। जान से मारने की धमकी देते हुए 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। प्रीति शुक्ला ने आगे कहा कि इस महिला के खिलाफ मुंबई में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वह नहीं मानी और 15 अप्रैल को लखनऊ आकर मेरे पति पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मैं और मेरे पति इस महिला और इसके साथियों से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अर्पना सोनी उर्फ अर्पना ठाकुर के बारे में जानकारी की तो पता चला कि वह 35 साल से शादीशुदा है। इसके पति राजेश सोनी की उम्र 58 साल है, बेटी की उम्र 27 साल है और एक बेटा भी है जिसकी उम्र 25 साल है।